हाँ तो अब देखिए, आज से आप लोगों का लेसन नंबर 17 टेक्स्ट बुक में स्टार्ट होगा, और इसके लिए आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक के 161 पर आ जाएं, पेज नंबर 161, 161 नंबर पेज पर आ जाएं। जो आपका लेसन है उसका नाम है द फंदे हेड। फंदे हेड का मतलब होता है मस्ती जो वे करते थे या मस्ती जो वे रखते थे। इस लेसन को समझने के लिए आप लोग थोड़ा सा अपने दिमाग में इस तरीके से रखिए कि इसका जो लेखक है उसने आज से 200 साल बाद की कल्पना करी है कि आज से 200 साल बाद जिस तरीके का जो स्कूल होगा, जिस तरीके की पढ़ाई हुआ करेगी, और उस टाइम के बच्चे पढ़ने के लिए जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, अगर उन्हें आज की जिस बुक से आज अपन लोग पढ़ रहे हैं तो जो एक रियल बुक है, और आगे की जो पढ़ाई होगी वो आप लोग जानते ही हैं कंप्यूटर से हुआ करेगी, जिसे आप लोग टेली बुक भी कह सकते हैं, तो उस टाइम के जो बच्चे होंगे वो आज के बच्चों के बारे में क्या सोचा करेंगे। तो बस ये थोड़ा सा जो जनरेशन गैप है उसको ध्यान में रखते हुए आपको इस चैप्टर को समझना है। बात मेरे ख्याल से ठीक से समझ में आ गई होगी कि आज से दो पीढ़ी बाद, जो अभी अपनी पीढ़ी है, अपने जनरेशन के बाद एक और जनरेशन आ जाए, और इसके बाद एक और जनरेशन अगर आ जाती है तो फिर वो जिस तरीके से स्टडी किया करेगी फ्यूचर में, और स्टडी करते समय अगर उन्हें कभी भी अपने टाइम की कोई एक बुक मिल जाती है, जो ये रियल बुक है, क्योंकि उस टाइम पर जा कर के तो सब कुछ कंप्यूटर पर हुआ करेगा, अगर उन्हें कहीं से एक रियल बुक मिल जाती है तो फिर इसके बारे में वो क्या सोचेंगे। तो अगर आप ये दिमाग में रखते हैं तो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपके लिए तो क्वेश्चन लिखे गए हैं कि हाउ वुड लाइफ बी 200 ईयर्स फ्रॉम नाउ। हाउ वुड लाइफ बी, जीवन कैसा होगा 200 ईयर्स फ्रॉम नाउ, जैसा मैंने आपको बताया था कि आज से 200 साल बाद। दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ वुड द पीपल ऑफ द फ्यूचर, अब 200 साल बाद इसका मतलब ये फ्यूचर के लोग होंगे, तो फिर ये कहा गया है कि हाउ वुड द पीपल ऑफ द फ्यूचर, के जो फ्यूचर के लोग होंगे वो कैसा सोचेंगे, थिंक ऑफ अस, हमारे बारे में, और हमारे बारे में का मतलब क्या हो गया कि द पीपल ऑफ द पास्ट, हम तो जैसे उस टाइम पर जा कर के हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग हो जाएंगे द पीपल ऑफ द पास्ट, हम भूतकाल के लोग हो जाएंगे, तो जो फ्यूचर के यानी 200 साल बाद के जो लोग होंगे वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये जो सामने आपको एक जो चित्र बना हुआ दिखाई दे रहा है, सबसे पहले एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें देख रहे होंगे आप दो बच्चे हैं जो कि कंप्यूटर पर पढ़ रहे हैं। तो यहीं से स्टार्टिंग करी गई है। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन अ डायरी। मार्गी इवन मतलब भी होता है, कि मार्गी इवन रोट के मार्गी ने भी लिखा अबाउट इट इसके बारे में, दैट नाइट उस रात को, इन अर डायरी अपनी डायरी में। अब किसके बारे में लिखा वो अपन आगे पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा। ऑन द पेज हेडेड 17 May 2155, और जिस डायरी में उसने लिखा उस डायरी के ऊपर जिस पन्ने पे वो लिख रही थी तो उस पे डेट क्या पड़ी थी, तो वो देखेंगे आप 17 May 2155, इसका मतलब 2155, तो उस पर 2155 यानी 17 मई 2155 की डेट पड़ी हुई थी। अब डेट पड़े होने का मतलब ये सब कुछ वहाँ कहाँ चल रहा है, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो उनकी जो डायरी है वो भी कहाँ होगी, अपने तरीके की डायरी नहीं होगी जैसे अपन एक रियल डायरी यूज़ करते हैं पेपर वाली, जबकि उनकी कोई टैली बुक होगी। और क्या लिखती है उस पर कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, उस पर उसने एक नोट लगा करके लिख दिया कि टुडे आज के दिन यानी 17 मई 2155 के दिन टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि टॉमी को कोई रियल बुक मिली। अब रियल बुक क्या होती है आप जानते ही हैं, जिन बुक से अपन पढ़ रहे हैं ये रियल बुक हैं। नेक्स्ट देखिए कि इट वाज अ वेरी ओल्ड बुक, जो बुक उन्हें मिली वो बुक काफ़ी पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय
हिज grandfather टोल्ड हिम दैट देयर was अ टाइम when ऑल स्टोरीज वर printed ऑन पेपर. तो इट was अ वेरी ओल्ड बुक. मार्गीज grandfather वंस सेड, मार्गी के दादाजी ने, ये जो लड़की आपको देख रही है ये मार्गी है, तो जो मार्गी के दादाजी थे वंस सेड, उन्होंने एक बार कहा था. मार्गी के दादाजी, थोड़ा सा सोचकर देखिए, यानी इसका मतलब जनरेशन गैप हो गया, एक पीढ़ी पीछे चले गए. उन्होंने कहा था दैट वी व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, कि जब वो छोटे बच्चे थे. दादाजी क्या कह रहे हैं कि जब मैं छोटा बच्चा था, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, तब मेरे दादाजी ने मुझे बताया था. तो दादाजी इस बात को कह रहे हैं कि जब मैं छोटा बच्चा था तब मेरे दादाजी ने मुझे बताया था दैट देयर वॉज अ टाइम, के एक समय हुआ करता था व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर. तो दादाजी के दादाजी ने क्या कहा था कि जब वो छोटे बच्चे थे तो सारी की सारी कहानियाँ कागज़ पर लिखी जाती थी, कागज़ पर प्रिंट करी जाती थी. दे टर्न्ड द पेजेस, उन्होंने कागज़ों को पलटा, जो उन्हें किताब मिली थी रियल बुक उसके जो पन्ने थे उन पन्नों को उन्होंने पलटा. विच वर येलो एंड क्रिंकली, विच वर येलो, जो पन्ने थे वो पीले पड़ गए थे, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा ज़्यादा पुरानी बुक हो जाती है तो उसके कागज़ का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है. तो विच वर येलो, जो पीले पड़ गए थे, एंड क्रिंकली, और उनमें थोड़ी सी जिसे कहते हैं कि सिकुड़ना, वो थोड़े थोड़े सिकुड़ भी गए थे. एंड इट वॉज एवफुली फनी टू रीड वर्ड्स, और ये बहुत ही मज़ेदार था. एवफुली फनी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार. टू रीड वर्ड्स, जो उस पर शब्द लिखे थे उन शब्दों को पढ़ना, क्योंकि उन्होंने तो उस टाइम के जो बच्चे होंगे, यानी आज से 200 साल बाद के जो बच्चे होंगे, वो तो टेलीबुक यानी कंप्यूटर पे जो बुक होंगी, जो कि अक्षर चलते हैं जिस पे, आप लोग अपने मोबाइल पे भी देखते होंगे, तो उन्होंने तो केवल उन बुक्स को देखा होगा. जब उन्होंने ये रियल बुक देखी तो उनके लिए काफ़ी मज़ेदार हुआ. क्यों मज़ेदार हुआ? दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, क्योंकि वहाँ जो वर्ड थे स्टूड स्टिल, वो स्थिर रहते थे. इंस्टेड ऑफ मूविंग, चलने के स्थान पर. द वे दे वर सपोज्ड टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो, जैसा कि तुम लोग जानते हो कि जिस तरीके से जो वर्ड्स होते हैं स्क्रीन पर, जिस तरीके से चलते हैं, जैसे हम लोग मोबाइल पे देखते हैं जो वर्ड्स होते हैं उन्हें ऊपर नीचे चलाते हैं, तो इसके स्थान पर जो पेपर बुक होती है उसमें जो वर्ड्स होते हैं वो एक स्थान पर स्थिर रहते हैं. तो इस तरीके से शब्दों को एक कागज़ पर लिखा देखना उनके लिए काफ़ी मज़ेदार बात थी. एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, एंड व्हेन दे टर्न्ड बैक, और जब वो वापस आए टू द पेज बिफोर, पहले वाले पन्ने पर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम. तो जब वापस लौट करके आए तो उस पर उन्होंने वर्ड्स को देखा, तो इट हैड द सेम वर्ड्स, तो अगर कोई पेपर बुक होगी तो उस पर जो एक बार वर्ड्स लिख जाएंगे वही वर्ड्स होंगे. तो वो क्या कह रहे हैं कि इट हैड द सेम वर्ड्स, के उसके तो वही शब्द लिखे थे. ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, कि ठीक वही शब्द लिखे हैं जिन शब्दों को उन्होंने कभी पहली बार पढ़ा था. जबकि जो टेलीबुक्स होंगी वो टाइम टाइम पर अपडेट रहती हैं, तो इस तरीके से जो उसके वर्ड्स होते हैं वो बार बार चेंज होते रहते हैं. थोड़ा जनरेशन गैप की वजह से अगर आप थोड़ी सी कल्पना करते जाएंगे तो चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. हाँ, इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए. जी सेड टॉमी, टॉमी बोला जी. जी का मतलब यहाँ आप ले सकते हैं हैरानी से, कोई भी बात हैरानी से कहना, क्योंकि इसका यूज़ जो सरप्राइज होता है उसको व्यक्त करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. और वो क्या कहता है कि व्हाट अ वेस्ट, थोड़ी सी हैरानी व्यक्त करते हुए बोलता है कि कितनी बर्बादी करते थे, यानी हम लोगों के बारे में बोल रहा है जो कागज़ों का इस्तेमाल करते थे, उनके बारे में बोल रहा है कि कितनी बर्बादी करते थे. किस तरीके से कि व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, थ्रो विद, आप लोग अंडरलाइन करके लिख लें, थ्रो विद. थ्रो विद का मतलब क्या होता है, हैविंग फिनिश्ड, यानी किसी भी चीज़ को कंप्लीट कर लेना. तो वो क्या कह रहा है कि व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, यानी जब तुम किताब को कंप्लीट कर लेते थे, इसका मतलब जब तुम किताब को पढ़ लेते थे, जब उसकी सारी बातें जान लेते थे, यू जस्ट थ्रो इट अवे. जैसे हम लोग किसी क्लास में हैं, उस क्लास को अगर हम क्रॉस कर जाते हैं तो जो अपनी बुक्स होती हैं उन्हें या तो किसी को दे देते हैं या फिर उन्हें कुछ लोग बेच देते हैं.
तो वो क्या कह रहा है कि वैन यू आर थ्रो विद द बुक, कि जब तुम इस किसी भी किताब को कंप्लीट कर लेते, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तब तुम इसे फेंक दिया करते थे। आई गेस मैं अनुमान लगा सकता हूँ, अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक, लेकिन मेरी जो टेलीविजन स्क्रीन है, वो खुद कह रहा है कि मेरी टेलीविजन स्क्रीन पर मिलियंस बुक्स हैं ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और यहाँ ऐसी बहुत सारी किताबें और बन सकती हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, लेकिन मैं तो इन्हें नहीं फेंकूँगा, क्योंकि टेलीबुक्स जो होती हैं उन्हें फेंकने की ज़रूरत ही नहीं होगी। वहाँ तो जो भी चीज़ें आपको पसंद नहीं है आप उन्हें डिलीट कर सकते हैं, जो भी आपने लिखा है आप उसे हटा सकते हैं। लेकिन जो रियल बुक होगी, तो वो तो अगर आपने जैसे एक बार आपने नोटबुक बनाई है, आपने जो कुछ भी लिख लिया भर गई, तो आपको दूसरी बनानी होगी। जब आप क्रॉस कर जाएंगे जो आपकी क्लास है उसको, या जब आपकी उपयोगिता ख़त्म हो जाएगी, तब आप उसे या तो बेच देंगे या फेंक देंगे। तो उसी बारे में वो बात कर रहा है। तो वो सीधे सीधे कह रहा है कि उस टाइम पर किताबों की कितनी बर्बादी होती थी, लेकिन हमारे टाइम पर ऐसा नहीं होता। हमारी टैली बुक में तो बहुत सारी किताबें होती हैं, और ऐसी बहुत सारी किताबें भरने के लिए इसमें और जगह बची होती है, लेकिन हम तो कभी इन्हें नहीं फेंकते। सेम विद माइंड सेट मार्गी, मार्गी ने कहा कि ऐसा ही मेरे साथ भी है। सी वॉज 11, वो 11 साल की थी, एंड हैडन्ट सीन एज मैनी टैली बुक्स एज टॉमी हैड, एंड हैडन्ट सीन, और उसने देखा नहीं था एज मैनी टैली बुक्स, उतनी ज़्यादा टैली बुक्स को एज टॉमी हैड, जितना कि टॉमी ने देखा था। ही वॉज 13, क्योंकि टॉमी 13 साल का था, तो दोनों में अंतर 2 साल का था, इसलिए उसने ज़्यादा देखी थी और इसने ज़्यादा नहीं देखी थी। सी सैड, वो बोली कि वेयर डिड यू फाइंड इट, तो जो मार्गी होती है वो टॉमी से पूछती है कि तुम्हें ये किताब मिली कहाँ, तो वो कहता है कि इन माई हाउस, मेरे घर में मिली। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक, हाँ ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, तो उसने बिना देखे हुए इशारा कर दिया कि मुझे वहाँ मिली थी। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो किताब पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, और थोड़ा सा इशारा करते हुए क्या देता है कि वहाँ अटारी में मुझे मिली थी ये बुक। वॉट इज इट अबाउट, फिर वो क्वेश्चन करती है कि ये किताब किसके बारे में, तो वो कहता है कि स्कूल के बारे में। तो मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, क्योंकि स्कूल से उसे थोड़ी सी नफरत थी, वो स्कूल को पसंद नहीं करती थी। तो जैसे ही उससे कहा गया कि स्कूल के बारे में, तो ये जो वर्ड थे इन्हीं को उसने थोड़ा सा तिरस्कारपूर्ण तरीके से देखा, थोड़ा सा उसे घृणा सी महसूस हुई, और क्वेश्चन करती है स्कूल, वॉट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, वॉट इज़ देयर, यानी स्कूल के बारे में लिखने के लिए इतना होता ही क्या है, उसका क्वेश्चन ये था। आई हेट स्कूल, और वो कहती है कि मैं तो स्कूल से नफरत करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी ने सदैव स्कूल से नफरत करी, बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन आज उसकी जो नफरत है पहले से और ज़्यादा हो गई। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था, जो यांत्रिक शिक्षक था, मैकेनिकल टीचर अगर आपको देखना है तो एक पेज पलट लीजिए, और सामने आपके जो फिगर है 163 पर, तो वहाँ अगर आप देख रहे हैं तो आपके सामने एक मैकेनिकल टीचर आपको दिखाई दे रहा होगा, तो उसके बारे में वो बात कर रही है कि द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, कि जो मैकेनिकल टीचर है, जो यांत्रिक शिक्षक है, वो उसको दे रहा था एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट जियोग्राफी में। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और उसके जो टेस्ट होते थे वो ख़राब से ख़राब करती जा रही थी, बद से बदतर करती जा रही थी। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हैड, जब तक कि उसकी माँ ने उसके सिर को नहीं हिला दिया सॉरोफुली, एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और फिर उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवा लिया। तो जब तक माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को नहीं बुला लिया, तब तक वो ख़राब से ख़राब करती जा रही थी। अब काउंटी इंस्पेक्टर कौन है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जानिए कि ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स।